जितना इंटरेस्टिंग था सैटरडे का अपकमिंग ट्रैक उतना ही इंटरेस्टिंग रहा दर्शकों के लिए सोमवार को दिखाया गया एपिसोड। इस एपिसोड में काफी कुछ था ऐसा जो दर्शकों के लिए रोमांचक था। सबसे पहले चंद्र और नंदिनी की लड़ाई, उसके बाद किस तरह से नंदिनी चाणक्य का पत्र पाकर प्रजा के बीच चंद्र को बचाने पहुंच जाती है और फिर कैसे नंद चंद्र को वहां देखकर उस पर आक्रमण बोल देता है। उसके बाद दोनों में होता है युद्ध और नंदिनी अपने चंद्र को बचाने के लिए अपने पिता महाराज के खिलाफ खड़ी हो जाती है। यहाँ नंद नंदिनी को मारने की भी कोशिश करता है लेकिन फिर चंद्र आकर उसे बचा लेता है। खैर ये तो थी बीते एपिसोड की एक झलक। अब आपको बताते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में यानी कि आज रात के एपिसोड में आप क्या कुछ खास देखने वाले हैं। पर आज रात आप देखेंगे कि किस तरह से नंद को चंद्र ने कर लिया है कैद और कैसे वो नंद को लेकर आ गया है राजमहल में, किस तरह से नंद को कैदी बनाकर चंद्र के कदमों में दिखाया गया है। वेल इसके साथ ही हमने एक और चीज देखी कि चाणक्य ने सुना दिया है अपना फरमान और कह दिया है कि सुबह भोर में ही नंद को फांसी दी जाएगी, वो भी पूरी प्रजा के समक्ष। लेकिन यहाँ एक बेटी है जो काफी उदास है। नंदिनी चाहते और ना चाहते हुए भी अपने पिता महाराज को इस स्थिति में देखकर काफी गंभीर रूप ले चुकी है, इसलिए अब उसने चंद्र को उसके वचन का वास्ता देते हुए उसे ये मांग लिया है कि वो एक आखिरी बार अपने पिता महाराज से मिलना चाहती है। कल देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चंद्र दे पाएगा नंदिनी को ये इजाजत, और अगर देता है ये इजाजत तो कहीं चाणक्य बुरा तो नहीं मान जाएंगे। सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, जुड़ जाएं हमारे साथ और पाएं अपकमिंग ट्रैक अपडेट और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सबसे फास्ट। टॉप न्यूज की रिपोर्ट।